फाउंडेशन किया था इसके पहले वाले वीडियो में। सो मैं आपको अभी बताऊंगी कि आपको फाउंडेशन जो है अप्लाई करना है। तो स्टार्ट हम करेंगे फाउंडेशन के कलर से, आपको कलर कैसे चूज करना है। मैंने सुपर स्टे लिया था, जो मैंने मॉल से लिया था, इन स्टोर से लिया था, तो वहां पर उन्होंने मुझे अप्लाई करके दिखाया था, तो मुझे ये वाला शेड 310 सूट हुआ था। बट वहाँ का लाइटिंग भी डिफरेंट होता है, इतना याद रखना, लाइटिंग के हिसाब से भी आपका शेड अलग लग सकता है। मुझे ये परफेक्ट लगा था, अभी जो है वो 19-20 थोड़ा लगता है। अब यहाँ के घर की लाइटिंग में वो ज्यादा मैं ज्यादा डार्क लगता है और मेरा ये फाउंडेशन लाइट लगता है, बट एक्चुअली में ये मेरा स्किन कलर ही है, जस्ट 19-20 है, ठीक है। और ये जो शेड आप इसमें लेंगे, सेम ही शेड आपको फिट में मिलेगा, आपको दोनों शेड सेम ही रहेगा। और दूसरा ये कि आपको फाउंडेशन कैसे चूज करना है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, सो आप देख सकते हैं, ठीक है। ये जो है, मैं अभी आपको ये नहीं बोल सकती आप स्टोर पे जाके लिए, क्योंकि अभी फिलहाल जो है सब बंद भी होगा, आई थिंक सो इट्स नॉट सेफ। इसके साथ जो है मैं मिक्स करने वाली हूँ सेम मेबलिन फिक्स हूँ, मैंने भी इसको ऑलमोस्ट 1 ड्रॉप जैसे ही मिक्स किया है। फिर इसको जो है वार्म करेंगे थोड़ा, और इसको मैं अप्लाई करूँगा। इट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट गाइस कि अगर आप कोई चीज अगर अपने फेस पे, अगर आप फाउंडेशन अपने फेस पे लगा रहे हो, तो फाउंडेशन जो है वो नेक पे भी लगाओ, ताकि दोनों जो कलर है वो मिक्स हो जाए, नहीं तो फिर आपका नेक का जो कलर है सेम नहीं है सेटिंग्स पे जो है, तो जो फाउंडेशन है आपके फेस और नेक पे दोनों पे लगाना है आपको। जब मैं मोस्टली ऑरेंज करेक्टर लगाती हूँ तो मुझे फाउंडेशन थोड़ा एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है, ताकि वो मेरा ऑरेंज करेक्टर जो है वो छिप जाए। और आपको फाउंडेशन जो है हेयर लाइन में भी अप्लाई करना है, नहीं तो आपका हेयर लाइन का ये जो कलर है वो अलग और आपका जो फेस का कलर है वो भी अलग। सेम मिक्सचर एक और बार अप्लाई करूंगी, ये मैंने अभी बहुत थोड़ा सा ही लिया है, मुझे ऑलमोस्ट 2 कोट लग जाते हैं फाउंडेशन के टू गेट प्रॉपर फिनिश, जैसे फिनिश मुझे चाहिए। बट अगर आपके फेस पे डार्क स्पॉट्स वगैरह नहीं है, आपके फेस माशाल्लाह क्लीन है, तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगी कि आप जो है सिर्फ फाउंडेशन लगाए, या उससे भी बेस्ट आप कोई भी सीसी क्रीम लगा सकते हैं। जो सीसी क्रीम मैं यूज करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। सो गाइस, मैं यूज करती हूँ लैक्मे 95 का ये सीसी क्रीम, ये 99 रुपीज का आता है। मेरा शेड इसमें है 1 बेज, बट आप अपने शेड के हिसाब से ले सकते हैं। इसमें भी ये अच्छी बात है कि सीसी क्रीम में भी शेड रेंज आता है, सो दैट्स गुड, ठीक है। आपको कभी भी फाउंडेशन पुश करना है, ड्रैग नहीं करना, तो वो जगह से खुल जाए। मतलब ये माइक्रो फाइबर स्पंज है, आप नॉर्मल स्पंज से भी लगा सकते हैं या तो ब्रश से भी लगा सकते हैं। इसके ऊपर मैं सोच रही हूँ अलग से वीडियो बनाऊं कि ब्रश से कैसे अप्लाई करते हैं स्पंज, सो वेट फॉर इट। तो ये हो गया है मेरा फाउंडेशन रेडी। अगर आपको फुल कवरेज चाहिए तो सिर्फ आप मे वाला यूज करो, अगर आपको शियर टू मीडियम कवरेज चाहिए तो आप फिट मे वाला या कोई भी और फाउंडेशन यूज कर सकते हैं। इट्स ओके अगर आपका थोड़ा बहुत स्पॉट से ऐसा कुछ दिखता है, तो बिकॉज वो नेचुरल थोड़ा फील देता है, एकदम हैवी नहीं दिख रहा। मुझे फुल कवरेज फाउंडेशन बहुत है, बट अगर आपको थोड़ा बहुत दिखता है तो इट्स ओके, डजंट मैटर। हर चीज परफेक्ट होना जरूरी नहीं, हर चीज आपके हिसाब से होना जरूरी, अगर आपको अच्छा लगता है कि वो परफेक्ट है तो ठीक है, नहीं तो फिर।
सो ये हो चुका है मेरा फाउंडेशन डन मेरे फेस पे। सो इसके आगे का जो भी स्टेप्स है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको ये अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफाई हो जाए जब भी मैं वीडियोज डालूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।